जिस कमरे को वो बता जा रहा है घटना स्थल, उसी के ऊपर कमरे में हम रहते हैं। तो उस समय ऐसा कोई नहीं, श्रेया वहाँ पे आई ही नहीं है उस तारीख को। प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि श्रेया का मौत जिस होटल में आप रह रही थी ऊपर उसी होटल में हुआ था, लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ है प्रशासन तो यही कह रही है अब तक। नहीं, श्रेया वहाँ पे नहीं आई है, प्रशासन झूठ बोल रही है। श्रेया वहाँ पे आई ही नहीं है, ना ही कोई श्रेया आई है, ना ही कोई श्रेया का बॉयफ्रेंड आया है। ये बस एक मनगढ़ंत प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है। आप इस घटना में किसे दोषी मान रहे? कुछ जानकर चुके घर के लोग बता रहे होंगे आपको। हम दोषी पुलिस को मान रहे हैं कि पुलिस निर्दोष को पकड़ी है, इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर हम लोग के पति दोषी है तो उन पे भी सजा हो और श्रेया को भी इंसाफ मिले। अगर निर्दोष है तो उनको बाइज्जत बरी किया जाए। आप मीडिया का भी हम साथ चाहेंगे और देशवासियों का भी साथ चाहेंगे कि इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवाज उठे कि हमारी जो दो बहन बगल में है जिनके दोनों पति को, एक के पति को तो दुष्कर्मी ही बता दिया गया है और दोनों को हत्यारा बताया गया है। धर्मेंद्र की पत्नी बगल में है चंदा, उनके तीन बेटी, अब उनके जीवन की भी बात है। और निर्दोष रहते हुए कोई जेल में रहे, दुष्कर्म की कलंक भोगे, सजा भोगे, ये कहां से न्याय है? हम चाहेंगे कि आप लोगों से धर्मेंद्र की पत्नी और राकेश की पत्नी से भी अपनी बात जान सकते। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर जो आरोप लग रहा है आपके पति के ऊपर? ये सरासर झूठ है सर। एक मिनट थोड़ा सा आगे, थोड़ा पीछे। ये घटना सरासर झूठ है। जिस तारीख को ये घटना बताया जा रहा है उस तारीख को हम भी उस होटल में मौजूद थे, उसी होटल में हम ऊपर रहते हैं। जिस कमरे को वो बताया जा रहा है घटना स्थल, उसी के ऊपर कमरे में हम रहते हैं। तो उस समय ऐसा कोई नहीं, श्रेया वहाँ पे आई ही नहीं है उस तारीख को। प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि श्रेया का मौत जिस होटल में आप रह रही थी ऊपर उसी होटल में हुआ था, लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ है प्रशासन तो यही कह रही है अब तक। नहीं, श्रेया वहाँ पे नहीं आई है, प्रशासन झूठ बोल रही है। श्रेया वहाँ पे आई ही नहीं है, ना ही कोई श्रेया आई है, ना ही कोई श्रेया का बॉयफ्रेंड आया है। ये बस एक मनगढ़ंत प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है। आप इस घटना में किसे दोषी मान रहे? कुछ जानकर चुके घर के लोग बता रहे होंगे आपको। हम दोषी पुलिस को मान रहे हैं कि पुलिस निर्दोष को पकड़ी है, इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर हम लोग के पति दोषी हैं तो उन पे भी सजा हो और श्रेया को भी इंसाफ मिले। अगर निर्दोष है तो उनको बाइज्जत बरी किया जाए। जिस दिन यह घटना हुआ था उस दिन आपके पति कहाँ थे? मेरे पति मेरे साथ थे और मेरे बच्चे भी के साथ थे। आप क्या कह रहे हैं? हम सर यही कहना चाहते हैं कि सबसे एकदम गलत बात है। यही नहीं, सब कांड हुआ था उस दिन, हमारे पति घर थे। ये सब खाली पुलिस के, खाली सबके कोई के सर के कहावी पर, पुलिस के प्रशासन के टॉर्चर से इन लोग का आरोपी लगाया जा रहा है। तो घर में थे तो आप सबूत नहीं दिए प्रशासन को? तो हम लोग यहाँ ना थे, लॉज पर से ना उठा यही के अति बोला के ले गए हैं। लॉज पे जहाँ भी होंगे उनका सबूत होगा ना आपके पास? हाँ, सारा सबूत इसके पास है। आप प्रशासन को शो कीजिएगा ना। हाँ, प्रशासन उठा के नहीं ले गया है, गाड़ी वहाँ पे छोड़ा गया है 27 तारीख को शाम में। इन लोग देखिए सर, हमारा कहना है कि जब गलत पहले रहेगा तब ना आदमी के रहेगा कि ना हम लोग गलत किए हैं। अब गलत नहीं किए हैं तो घर ही थे, यहाँ से पापा फोन किए कि अति धर्मेंद्र आवा ही यहाँ लॉज पर। ये बेचारा सीधे तुरती अबे के तुरती चल गए। जब इन लोग का मन में क्रोध रहता तब ना नहीं जाते कि हम लोग ऐसा गलत काम किए हैं। जैसे इन लोग ऐसा नहीं है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, वहाँ डायरी पे गलत लिखा गया है 27 तारीख को गार्जियन द्वारा वहाँ पे छोड़ा गया है। अपना गाड़ी से ले जाकर प्रशासन नहीं आए थे लेने के लिए, बाकी उन लोग झूठ बोल रहे हैं ना कि हम लोग दौड़ा के धरे हैं। आप लोग पति को देख के आप लोग क्या लगता है कि वैसे प्रवृत्ति नहीं, 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 नहीं। हम लोग भी सर रह रहे हैं तो हम लोग जान ना पाए। शादी का 15 साल हो गया, 15 साल से हमारा 14 वर्ष का सर लड़की है। यो सुनने में आ रहा है कि अति का तो डॉक्टरी वो लड़की पढ़ रही थी, और अति कह रहा है कि अति 40 वर्ष के अति से मोहब्बत और प्यार करेगा। कम से कम देखिएगा ना केकरो से प्यार मोहब्बत करेगा कि बूढ़े से कोई कर लेगा। सर ये सरासर झूठ है, ये मेरे पति कभी इस टाइप के नहीं है, ना मेरे पति है ना इनके पति है। सार ये है कि दबाव में खाली से इन लोग की कहीं से भी उस गेस्ट हाउस में कभी श्रेया गई ही नहीं। पहले भी कभी गई थी? नहीं, श्रेया कभी गेस्ट हाउस में गई नहीं, उस दिन भी नहीं गई। श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित नहीं गया
और ये घटना वहां घटी ही नहीं, सिर्फ पुलिस को एक ही चीज दिखा कि इनके पड़ोसी श्रुति जो श्रेया की फ्रेंड थी, श्रुति को मोहरा बना के इस पूरी घटना पर फिल्मी कहानी बना लिया गया और पूरी कहानी बना के अपने बचाव में नीतीश कुमार का सुशासन छवि बचाव करने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दबाव में पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बना के इन आरोपियों को अंदर किया है। जो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने अपने स्तर से भी जो तहकीकात किया है उसमें निकल कर आया है कि ये पांचों निर्दोष हैं। जो रियल हत्यारा है, जो बड़ा मगरमच्छ है, वो कहीं आज भी घूम रहा है, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त में है। इसलिए सीबीआई जांच एकमात्र ही उपाय बचा है। यही कारण कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा सीबीआई जांच की मांग को लेकर पत्र लिखा। इसका मतलब है सर, आप कहना चाह रहे हैं कि ये मतलब ये दिखाने के लिए जल्दबाजी में जो है केस को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ये मुख्यमंत्री नीतीश के दबाव में पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए, नीतीश का छवि बचाने के लिए निर्दोष को जल्दबाजी में एक कहानी क्रिएट करके काम कर दिया है। कहीं से सच्चाई नहीं है। पुलिस ने जो बात रखा है और इन लोग की जो बातें हैं, जो प्रूफ है, पुलिस जो बता रही है कि हत्या करके डैम ले गया 55 मिनट, क्या बीच में सीसीटीवी नहीं है? जो हमने जानकारी हासिल की है 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरा है उस रास्ते में। क्या उस रास्ते में इनकी गाड़ी, जिस गाड़ी पर बताया, क्या वो गाड़ी उसमें आया? कहीं नहीं आया। तो कोई सबूत का एक भी सबूत नहीं है। सिर्फ जो मार पीट के मिर्च खिला के दरिंदगी के साथ जो बात लाया गया है उसी को कहानी बना के प्रशासन ऐसा किया है। दुख इस बात की है कि जो भी राजनेता गए थे उनको यदि पता है कि निर्दोष जेल गया है तो उनको इस पर भी आवाज उठाना चाहिए। और बिहार की मुखिया नीतीश कुमार को हम चाहेंगे कि भाई अपनी छवि को मत देखिए, पांच निर्दोष को जो अंदर भेजा गया है उनको न्याय मिले। दो आपके सामने, दो की पत्नी तो मौजूद ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया का साथ, देशवासियों का साथ मिलेगा, पांचों जो निर्दोष लोग हैं उनको न्याय मिलेगा और जो रियल अपराधी होगा बिल्कुल पकड़ में आएगा। और हम सबकी मांग है कि जो भी दुष्कर्मी है और हत्यारा है उसको फांसी की सजा।